Hey everyone, welcome back to my channel. जैसा आप देख सकते हो मैंने किया है हल्दी मेकअप लुक नहीं होती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का प्राइमर लगा रही हूँ एंड फुल मेकअप ट्यूटोरियल है तो आप जरूर पूरा देखना एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो एंड दूसरे तीसरे चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है वो भी मैंने दे रखा है आप वहाँ पर चेक कर लेना एंड सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं आप वहाँ से भी ले भी सकते हो एंड चेक भी कर लेना। तो यहाँ पर मैं NYBAE स्टिक फाउंडेशन ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ। ये करेक्टर का काम भी करता है, स्टिक फाउंडेशन भी है एंड कंसीलर तीनों का ही काम करता है। तो यहाँ पर मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए एंड माउथ एरिया में थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर अप्लाई की हूँ। उसे एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने स्किन कलर से दो शेड लाइट अप्लाई कर रही हूँ सेम स्टिक फाउंडेशन NYBAE की जो कि 100 रुपीज़ के अंदर आ जाता है एंड बहुत ही अच्छा स्टिक फाउंडेशन है। सो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है आप चेक कर लेना। और यहाँ पर सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ फिटमी का फाउंडेशन क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहा है दी समर मेकअप दिखाइए तो समर के लिए फिटमी फाउंडेशन बेस्ट है क्योंकि ये मैट होता है। लेकिन मेक श्योर आप क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करने के बाद प्राइमर अप्लाई करेंगी। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपको ये फाउंडेशन अप्लाई करना है। अगर आप प्राइमर नहीं अप्लाई करते हो स्किप करते हो देन आपका फाउंडेशन क्रेक हो सकता है क्योंकि ये समर के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, मैट है और मैट है तो आपको प्राइमर ऐसे भी हर फाउंडेशन के पहले आपको प्राइमर CTM एंड प्राइमर ज़रूरी होता है तो आप प्राइमर मत भूलिए। और स्विस ब्यूटी का सबसे अफोर्डेबल बेस्ट प्राइमर है। और यहाँ पर मैं कंसीलिंग तो मैंने कर लिया था फाउंडेशन के बाद मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ। मेबलिन एज रिवाइन का कंसीलर मैंने यूज़ किया है तो इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं ब्रश जल्दी ब्रश यूज़ करना मुझे बहुत पसंद है लेकिन ये वाली जो कंसीलर है ना हाईलाइट जब हम करते हैं एंड अंडर आई में ब्रश हम थोड़ा कम यूज़ करते हैं अंडर आई एरिया में ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करते हैं। बाकी फोरहेड में एंड फेस में आप ब्रश यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कलर बार का पेंसिल ली हूँ, आईब्रो पेंसिल ब्राउन कलर में है, उससे मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही ईजी वे है, आप आराम से इससे कर सकते हो मेकअप। एंड अभी मैंने मेकअप नहीं सेट करा हुआ है, मुझे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो मेरे पास यही ज्वेलरी थी तो मैंने यही ज्वेलरी पहन ली और अलग ज्वेलरी में भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ना उसे कलर बार का पेंसिल अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का ब्लैक कलर का आई शेडो ली हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डार्क करना है यहाँ पर, मतलब मैं यहाँ पर डार्क कर रही हूँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हो चुकी है डार्क एंड अब मैं अपने आईब्रोज को जो वो शार्प कर लूँगी ताकि वो अच्छा सा लुक आ जाए, एक शार्प लुक आए। और अब मैंने यहाँ पर अपने आईलिड में भी अप्लाई कर लेना है क्योंकि जब हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो आईलिड में ज़रूर से हमें बेस लगाना चाहिए, इससे जो है कलर आई शेडो का उभर के बहुत खूबसूरत सा आता है। तो अब मैं आईब्रो को ऊपर की तरफ शार्प करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ शार्प कर रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स आपको बोथ साइड से शार्प करने होते हैं। तो बाहर की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, मेरे पास यहाँ बच्चे इतने हैं ना कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर को एक बार वेट करके सेम ब्यूटी ब्लेंडर को पूरे फेस में एक बार टैप टैप कर रही हूँ। आप देख सकते हो क्योंकि इतने देर होने के बाद क्रीज लाइन पड़ गई थी तो अब मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है। और इसके बाद मैं कंट्रोल कर रही हूँ, ये भी NYBAE का कंट्रोल स्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अफोर्डेबल के साथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आप लोग बोलोगे अफोर्डेबल इतना है तो क्या पता अच्छा हो ना हो, मैं बोल रही हूँ काफ़ी अच्छा स्टिक फाउंडेशन है ये, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये पूरा मेकअप ट्यूटोरियल जो मैंने बताया है ना ये आपका आराम से 8 से 10 घंटे टिकेगा। लेकिन हाँ आपको सारे क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग प्राइमर सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा एंड अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो आप सब एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप आप आइस रब कर सकते हो, उसके बाद आप क्लिंजिंग के बाद आइस रब करिए देन टोनिंग देन मॉइस्चराइजिंग देन प्राइमर। तो यहाँ पर मैं मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का बनाना पाउडर, लूज पाउडर। मुझे लूज पाउडर यूज़ करना काफ़ी पसंद है और आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसे मैं 5 सेकंड के लिए छोड़ दूंगी। 5 सेकंड के बाद आपको ये निकाल देना है। आप इसे रख कर आई शेडो आई मेकअप भी कर सकते हो बट मैं निकाल के मेकअप करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आई शेडो जो है वो नहीं झड़ने वाली है और ख़राब नहीं होने वाली है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी आई शेडो गिरने वाली है आपके फेस में तो आप यहाँ पर उसे रख के आई मेकअप कम्प्लीट करो देन उसके बाद क्लीन कर सकते हो। और यहाँ पर फोरहेड में मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फोरहेड है जो थोड़े से बड़े हैं इसलिए मैं यहाँ पर फोरहेड में थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ। और अब मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट दोनों ही इसमें है, हाइलाइटर एंड ब्लशर।
तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, और यू नो अफोर्डेबल में आपको ब्लश एंड हाईलाइटर दोनों ही मिल जाते हैं, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। और अब मैं आई मेकअप की तरफ बढ़ रही हूँ। क्रीज लाइन में मैं डार्क पिंक होता है, डार्क पिंक नहीं, एक्चुअली इसे वॉयलेट कलर हम कह सकते हैं, तो उस टाइप का मैं यहाँ पर मिक्सिंग है एक्चुअली ये, तो कलर मैं नहीं दिखा रही हूँ, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर ले लेना। तो यहाँ पर सेम कलर को मैं डार्क कर रही हूँ, क्रीज लाइन ऑलवेज डार्क ही होना चाहिए, ऑलवेज ये ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पर मैं अपनी क्रीज लाइन को डार्क कर रही हूँ, जैसा कि आज हल्दी मेकअप लुक है, तो अब मैं थोड़ा सा येलो एंड पिंक में, क्योंकि मेरी जो ज्वेलरी है ना वो भी पिंक में है एंड हल्दी मेकअप है तो येलो तो बनता ही है, तो यहाँ पर अब मैं बेस लगा रही हूँ। सेम एन वाई बे का ही स्टिक फाउंडेशन से मैंने यहाँ पर ब्रश में पिक किया है, और उससे बस हाफ क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो येलो कलर मैं अप्लाई करूँ वो बिल्कुल उभर के आए और बहुत क्लीन दिखे, बहुत अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ, पाउडर से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी आई मेकअप ख़राब हो जाएगी, क्रीज लाइन पड़ जाएगी। और इसके बाद मैं फिर से पर ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो भी हार्श लाइन था वो यहाँ पर मिक्स कर लिया मैंने। और अब मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ, येलो नहीं एक्चुअली ये मैंगो कलर मैं बोल सकती हूँ, प्रॉपर येलो नहीं है, ये मैंगो कलर है, मैंने जैसा ड्रेस पहना था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मेकअप करा हुआ है। तो यहाँ पर मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो ये येलो कलर एक बार में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, एक बार आप अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने डार्क कर लिया है, दो तीन बार ही आप अप्लाई करोगे, तो ये डिपेंड करता है आपके आई शेडो पैलेट के ऊपर भी। तो यहाँ पर मैंने दो बार अप्लाई किया और यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है। इसके बाद मैं जहाँ येलो ख़त्म हो रहा है वहीं पर मैंने डार्क पिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हो डार्क पिंक दे रही हूँ, क्योंकि पिंक एंड येलो का ही मेरा जो ज्वेलरी है वो है, एंड ड्रेस भी यू नो रेड येलो एंड पिंक में मिक्स है, तो ये रेड मैं बहुत बार की हूँ इसलिए इसमें मैं नहीं कर रही थी। और साइड से लाइट स्मोकी करूँगी, ब्लैक कलर में मिक्स की हूँ लाइट, एकदम लाइट, और आपस में तीनों कलर को मिक्स कर देना है, ताकि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पर ख़त्म हुआ ये नहीं पता चलना चाहिए। एंड सेम पिंक कलर को मैं अपने लोअर लैश में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे जो है क्रीज लाइन काफ़ी पड़ते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से ज़्यादा यूज़ करना अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है ना, लोअर लैश लाइन में जब हम अप्लाई करते हैं आई शेडो तो क्रीज लाइन ज़्यादा नहीं दिखता है इस तरीके से लगाने के बाद। और अब मैं यहाँ पर लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप स्टेक वर्की का लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, एंड यहाँ पर मैं एवॉन की लाइनर यूज़ कर रही हूँ, दोनों ही मेरी फेवरेट है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और मैं ऑलवेज दोनों में ही दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं जेल लाइनर भी आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एन वाई बेक का काजल ब्रश की हेल्प से, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं काजल यूज़ करती हूँ तो थोड़ा सा मोटा मुझे चाहिए नहीं था आज, उसे मुझे ब्लेंड करना है, इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। एन वाई बेक का काजल मैंने यहाँ पर यूज़ करा है और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। यहाँ पर मस्कारा वेट एंड वाइल्ड का यूज़ कर रही हूँ, और वाइट काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का, स्क्रीन में मैंने लगा रखा है सारे प्रोडक्ट से पिक, तो आपको साफ दिख रहे हैं। एंड ये है आई मेकअप का फाइनल लुक, हल्दी के लिए ये आई मेकअप प्रॉपर है, एंड ऊपर में आप देख सकते हो वो मस्कारा लगाया था मैंने, तो वो हल्का सा ऊपर में लग गया है, और मैंने भी वीडियो में ध्यान दिया, उस समय मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसी वक्त कस्टमर भी आ गए थे मेरे पार्लर में। सो या यहाँ पर है फाइनल लुक। अब इसके बाद के काम मैं कंप्लीट करूँगी, सेम पैलेट में जो है हाइलाइटर है, ये भी स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर एंड ब्लश पैलेट है, तो हाइलाइटर आप देख रहे हो कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो सेम उसी पैलेट से मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और अब मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ना। अब मैं बता दूँ, ये लिपस्टिक मैंने ऑफलाइन परचेज की थी, लेकिन मैं आपको ब्रांड नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे ये लिए हुए, और उसके जो ऊपर में ब्रांड का नाम था, ब्रांड नहीं था एक्चुअली, ये मैंने लोकल मार्केट से 200 में लिया था, तो इसका कोई ब्रांड नहीं था, तो वही मैंने लगा दिया। बट सेम कलर का आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सेम कलर की लिपस्टिक की, आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना ना। यहाँ पर है फाइनल लुक, आप मुझे बताना कैसा लग रहा है, राधा राधा लुक आ रहा है कृष्णा की राधा वाला, या फिर हल्दी मेकअप वाला लुक आ रहा है, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक भी करना मत भूलिएगा। तो ये है फाइनल लुक, एंड पिक्स भी मैंने लगा दिए हैं, तो ये है आज का लुक, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।